ऋषि सीढ़ियों से उतरा। शाम का वक्त, गली में चहल पहल काफी थी। उसको देखकर वहां खड़े लोग घबरा गए, सब उससे दूर होने लगे, शोर मचाने लगे। एक भरी हुई गली से अपने हाथ में कटा सर लेकर वो थाने पहुंच गया। टेबल पे उसने वो सर रखा और वहीं जमीन पे बैठ गया। पुलिस स्टेशन में सबके मुंह खुले के खुले, ऐसा नजारा सब पहली बार देख रहे थे। ये कहानी इतनी भयंकर थी नहीं, तो यहां तक पहुंची कैसे? 5 महीने पीछे चल के जानते हैं। सुबह सुबह ऋषि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। वहीं दूसरे रूम में उसकी बहन अदिति कॉलेज जाने के लिए। 26 साल का ऋषि सीनियर कॉपीराइटर की जॉब करता है और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में दोस्तों के साथ बाहर रहना, घूमना फिरना, पार्टीज, और जब वो ये सब नहीं करता तो गार्डनिंग करता है। पेड़ पौधों से अलग लगाव है उसका। अदिति उसकी छोटी बहन, उससे 7 साल छोटी, अभी मास कॉम फर्स्ट ईयर में। मम्मी पापा गाँव में रहते हैं और ये दोनों काम और पढ़ाई के लिए बाहर दिल्ली में। अदिति अपने भाई ऋषि से बिल्कुल अलग है। जहां वो दोस्तों से घिरा हुआ, वहां इसके कोई दोस्त ही नहीं। कॉलेज से सीधा घर, घर से सीधा कॉलेज, कहीं कोई प्लान्स नहीं। ऋषि और अदिति भले ही एक साथ एक घर में रहते हैं, पर बातचीत दोनों में कम ही होती है। ऋषि जब घर से बाहर निकला तो दरवाजे से उसने अदिति से कहा, अदिति गेट लॉक करना मत भूलियो कल की तरह, ध्यान से लगा के जाइयो, मैं जा रहा हूँ। अरे भैया अभी कहाँ निकल रहे हो, 5 मिनट रुक जाओ, मुझे ड्रॉप करते चलना प्लीज। यार तेरे को ड्रॉप करने के चक्कर में मैं लेट हो जाता हूँ, आज खुद से चली जा। पैसे हैं? हाँ थोड़े हैं। ठीक है चल बढ़िया। 11 किलोमीटर ड्राइव करके ऋषि ऑफिस पहुंचा। उसने देखा आज उसके बगल वाली चेयर पे एक न्यू फेस। उसने उसे देख के कहा, गुड मॉर्निंग, न्यू जॉइनी? हाँ कॉपी राइटिंग में। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले फ्रीलांसिंग, ये पहली जॉब। ओह नाइस, नाम क्या बताया? मयंक। आप ऋषि राइट? हाँ चलो मयंक, लिखते हैं कुछ साथ में बढ़िया सा। वैसे बाल तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। हाँ हाथ मत लगाइए प्लीज, बहुत मुश्किल से सेट किए हैं। फिर शाम को जब ऋषि घर आया तो दरवाजा खुलते ही अदिति ने कहा, आज मेड आंटी नहीं आई तो मैंने मैगी बना दी है, निकाल लेना। अरे बस मैगी, मुझे भूख लग रही है यार, चल कुछ ऑर्डर कराते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कर दी आपने, पिज्ज़ा खिला दो। ये ले मेरा फोन, मैं कपड़े चेंज करके आऊँ, ऑर्डर कराते तब तक। जब वो दोनों खा रहे थे तो अदिति ने हंसते हुए ऋषि से कहा, भैया आपको पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? रिसेस में सुजीत शांभवी को प्रपोज करने आया और शांभवी ने उसके मुंह पे छी बोल दिया उसे। ऋषि अदिति को देख रहा था, फिर उसने उससे पूछा, तेरे पीछे तो नहीं पड़ा कोई लड़का? दूर रहियो थोड़ा लड़कों से, पागल होते हैं सब। आप भी पागल हुए फिर तो? मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूं मैं। अरे कहाँ जा रहे हो, और बातें हैं मेरे पास। सॉरी मेरा खाना हो चुका है, कल बात करते हैं, मुझे आ रही है बहुत जोर की नींद। ऋषि अपने रूम में चला गया, अदिति वहीं बैठी रही। किससे करूं बात फिर? खुद से इतना कह के वो अपना फोन चलाने लगी। ऋषि के पास उसके एक फ्रेंड का टेक्स्ट आया, फीफा 10:30 PM, घर आ जा मेरे, खेलते हैं। ऋषि बिस्तर से उठा, उसने अदिति से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा लगा लियो। अपने रूम में बैठी अदिति ने चिढ़ते हुए बोला, अब नहीं आ रही नींद, मेरी बात सुनकर ही नींद आती है बस, क्या बेकार भाई है यार। कुछ हफ्ते बीते, अब ऋषि और उसके कोवर्कर मयंक के बीच ठीक ठाक फ्रेंडशिप हो गई थी। वो लोग साथ में चाय पीने जाते थे। ऋषि ने उसे अपने ग्रुप से भी मिलवा दिया था और अपने फीफा वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया था। मयंक ऋषि से कॉपी राइटिंग के बारे में भी सीखता रहता था, एक तरह से ऋषि मयंक का गाइड भी बन गया था। एक सुबह रैंडमली मयंक ने ऋषि से पूछा, आपको क्या लगता है कॉपी राइटिंग का क्या फ्यूचर है, कितना कमा सकते हैं इसमें? इतना तो कमा सकते हैं कि ठीक ठाक लाइफ चल जाए। लाइफ चलानी नहीं है यार, बहुत पैसा कमाना है। कैसे होगा? तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं अभी नहीं है। क्यों? कल बताता हूँ क्यों पूछा, अभी तू बता। मज़ा नहीं आ रहा जॉब में? हाँ मतलब फ्रीलांसिंग से इतना पैसा हो जाए तो मैं जॉब छोड़ दूँ, ये वाली कंडीशन है। काम आ नहीं रहा था तो जॉब ढूंढनी पड़ी, पैसा तो चाहिए ना। यहाँ बड़ा अजीब सा लगता है, रूटीन, बंद कमरा, खिड़की तक नहीं है यहाँ पे एक भी। एक बात पूछूं बताओगे?
हाँ पूछ, आपकी सैलरी कितनी है? बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, इतनी भी ज़्यादा नहीं है, पर मैं भी पहले तेरी तरह ही था। बहुत पैसा कमाना है, कैसे कमाऊँगा, कितना मुश्किल है पैसा कमाना। फिर बीच में मैंने बहुत पैसा कमाया, फिर जब लगा इनफ है तो वो काम छोड़ दिया। अब उन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया है तो दिक्कत नहीं है लाइफ में। क्या काम कर रहे थे जिससे इतना पैसा कमा लिया? आराम से बैठ के बताऊंगा कल, बहुत आसान है। आपकी सुई बार बार कल पे क्यों टक रही है? अभी बताओ, मैं जॉब छोड़ दूंगा। ओ, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आ जाइयो कल, आराम से बैठते हैं। छुट्टी के बाद जब ऋषि घर पहुंचा तो अदिति अपने कमरे में ही थी, बाहर नहीं आई। ऋषि ने उसके कमरे में झांका तो वो फोन यूज कर रही थी। आजकल बहुत फोन चलाने लगी है, क्या बात है? हाँ, आपके पास बात करने का टाइम नहीं होता ना, तो टाइम पास करने के लिए कुछ तो करूंगी। हाँ चल, मेरा दिमाग तो कम खाएगी अब। आपका आज भी बाहर का प्लान होगा, तुझे कैसे पता? रोज ही होता है, स्मार्ट हो गई है। अगले दिन ऑफिस में सुबह सुबह ही मयंक ने ऋषि से कहा, बताओ ना क्या बताने वाले थे, थोड़ी देर में चाय पीने चलेंगे तब बात करते हैं। और चाय ब्रेक के लिए मयंक ने 2 घंटे का वेट किया। जब वो दोनों नीचे चाय पीने के लिए गए तो ऋषि ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अब तो नहीं है, और जब थी तो हमने हमारी वीडियो शूट की थी। कैसी वीडियो? समझ जा कैसी वीडियो। फिर उसको ये वेबसाइट है उस पे पोस्ट किया, दोनों के फेसेस ब्लर करके ऑब्वियसली, एंड 1 हफ्ते के अंदर मानेगा नहीं 5 मिलियन व्यूज हो गए थे उस पे। बहुत पैसा कमाया उस वीडियो से। फिर 3 महीने बाद उड़ा दी वीडियो। ये वेबसाइट अच्छा पे करती है, 3 महीने का पे आउट साइकिल होता है। आपको किसी ने पहचाना नहीं? फेसेस पूरे ब्लर थे यार, कौन ही पहचानेगा। बात समझ गया ना, लेकिन एक वीडियो चल गई तो पैसा ही पैसा, और चली जाती है। हाँ बट मैं तो सिंगल हूँ, तो गर्लफ्रेंड बनाने में कितना टाइम लगता है आजकल? डेटिंग ऐप वगैरह डाउनलोड कर ले, मिल जाएगी कोई ना कोई जो राजी भी हो जाएगी इसके लिए। आइडिया तो अच्छा है। देख, मैंने पहली बार किसी को अपना ये बताया क्योंकि तुझे पैसे कमाने का क्रेज है जैसे पहले मेरा था, तो कमा के देख ले, पर याद रहे उसका भी कंसेंट होना चाहिए। चल अब टाइम हो गया, चलते हैं ऊपर, और अब इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन मानना पड़ेगा, आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, एक हरामी बनाया आप में। फिर दिन पे दिन बीतते गए। अब मयंक रोज ही फोन पे किसी से चैटिंग करता रहता था। ऋषि ने बोला, लुक्स लाइक समवन गॉट अ मैच, और मयंक ब्लश करने लगा। फिर कुछ दिन बाद एक मंडे को जब मयंक ने ऑफिस में एंट्री ली तो अलग ही खुश दिख रहा था वो। उसने आते ही ऋषि से कहा, कल बन गई वीडियो, आज पोस्ट कर दूंगा, आपको दिखाऊं, आप रिव्यू करोगे? पागल है क्या, कर जो तुझे ठीक लग रहा है। 2 दिन बाद मयंक ने कहा, अभी तक सिर्फ 40 व्यूज हुए हैं, अपने आप उठ जाएगी भाई, तू बस भूल जा। और देखते ही देखते 2 महीने निकल गए, और जैसा ऋषि ने कहा था, वीडियो सच में उठ गई, 11 मिलियन व्यूज। एक रात ऋषि जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो कई सारे मीम पेजेस पे अदिति की न्यूड फोटो थी और कैप्शन में लिखा था, फुल वीडियो लिंक इन बायो। ऋषि गुस्से में बिस्तर से उठा और अदिति को बाहर बुलाया, ये क्या है? अदिति रोने लगी, सॉरी भैया। ऋषि ने उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया। कौन था, किसके साथ, कॉलेज का था, नाम बता। मयंक नाम है उसका, कुछ महीने पहले ही मिला था। मयंक? फिर ऋषि को अपनी और मयंक की सारी डिस्कशन याद आने लगी। कैसे मिली तू उससे? मैच हुआ था उससे। तूने वो ऐप कैसे यूज किया? कुछ दोस्त बनाने के लिए किया था भैया, प्लीज हेल्प मी, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ पर वो नहीं हटा रहा वीडियो, आपको बताने में डर लग रहा था, प्लीज हेल्प मी भैया। बेशरम बदतमीज लड़की, खराब कर दिया सब। ऋषि अपना सर पकड़ के बैठ गया, फिर वहां से अपने रूम में चला गया। मयंक को उसने टेक्स्ट किया, वीडियो डिलीट कर। क्यों भाई, पैसे तो आ जाने दो। तू रुक अभी। ऋषि गुस्से में ड्राइव करके मयंक के अपार्टमेंट गया, फर्स्ट फ्लोर।
बहुत जोर से उसका दरवाजा पीटा। मयंक ने दरवाजा खोला और ऋषि ने घुसते ही उसे एक पंच मारा और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ भाई, मार क्यों रहे हो? वीडियो डिलीट कर। पैसे तो आ जाने दो। वीडियो में जो लड़की है ना, बहन है मेरी। ओह, वो तो मुझे डेटिंग ऐप से मिली। आपकी बहन है? दुनिया बहुत छोटी नहीं है। हंस रहा है? फिर ऋषि ने चार चांटे उसे और मारे कि मयंक के नाक से खून आ गया। फिर मयंक ने ऋषि को धक्का दिया और गुस्से में कहा, नहीं कर रहा डिलीट, क्या कर लेगा? तेरा ही आइडिया था ना, तेरी बहन पे चल गया तो बुरा लग रहा है? और तूने वीडियो में सिर्फ अपना फेस ब्लर किया, उसका नहीं। हाँ, व्यूज चाहिए थे मुझे, और राजी नहीं हो रही थी वीडियो के लिए। उसके कंसेंट के बिना वीडियो निकाला, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, अब तो और वायरल होगी वीडियो। मैं आराम से सुलझाना चाहता था, अब लगता है पुलिस कंप्लेन ही करनी पड़ेगी। जा जा, जिससे कंप्लेन करनी है कर, मेरे चाचा खुद पुलिस में है। वहां अदिति के कॉलेज ग्रुप पे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, हे इज़न्ट शी अदिति? उसकी वही वीडियो ग्रुप पे शेयर की गई। अदिति कांपने लगी, जोर जोर से रोने लगी। ऋषि घर वापस आया, उसने अदिति से कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अदिति के पास उसके कॉलेज के लोगों के मैसेजेस आने लगे, टीचर्स के मैसेज आने लगे। अगली सुबह ऋषि पुलिस स्टेशन गया, उसने कंप्लेन की, 2 दिन हो गए पर कोई एक्शन नहीं। आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? बहन बहुत परेशान है मेरी। पहले बेशर्मी करेगी जो अब परेशान हो रही है। आप हमें हमारा काम मत सिखाओ, कंप्लेन रजिस्टर कर दिए, हम कर लेंगे हमें जो करना है। अदिति ने अब रोना भी बंद कर दिया था, वो झेल नहीं पा रही थी ये सब। वो कॉलेज नहीं जा रही थी, ऋषि से नजरें नहीं मिला पा रही थी, और पूरे टाइम बस खुद को ही कोसती रहती थी। वहां ऋषि भी इन सब के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था, वो भी ऑफिस नहीं गया था उसके बाद से, बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था वो। अदिति ने एक दिन इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल पे आए कमेंट्स पढ़ लिए। अश्लील कमेंट्स किए हुए थे लोगों ने। उन्हें पढ़कर उसे लगा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब वो कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। ऋषि पुलिस स्टेशन से हताश होकर शाम में घर लौटा, दरवाजा खुला हुआ था। ऋषि ने अदिति को बुलाया, अदिति अदिति। अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। ऋषि उसके रूम में गया तो देखा अदिति ने खुदकुशी कर ली थी। उसकी बॉडी बेडशीट के जरिए पंखे पे लटकी हुई थी। ऋषि खामोश। उसने अदिति को नीचे उतारा और पूरी रात उसे अपनी गोद में लेके बैठा रहा। उसने पुलिस को कॉल लगाया और कहा, मेरी बहन ने खुद को मार दिया और आप लोग कुछ नहीं कर पाए, थैंक्स। अगली शाम को ऋषि मयंक के अपार्टमेंट के बाहर उसका वेट कर रहा था। मयंक घर आया, ऋषि उसके पीछे पीछे। उसने बैग में सिकल रखा हुआ था, जो घास या पौधों को काटने के काम आता है गार्डनिंग में। उसने मयंक के घर का दरवाजा नॉक किया। मयंक ने देखा तो ऋषि, ओ आप आओ आओ, आप ऑफिस नहीं आ रहे बहुत दिनों से, कुछ हुआ है क्या? किसी ने आपकी बहन की वीडियो तो लीक नहीं कर दी? अरे गुड न्यूज़ तो सुनो, उस वीडियो से अब तक बहुत पैसा कमा चुका हूँ, कुछ दिनों में बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। 3 महीने होने वाले हैं ना? ये सही आइडिया बता दिया आपने, पैसिव इनकम का अच्छा तरीका है। कुछ लोगे चाय पानी? अरे आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बड़े शांत से हो। उस दिन तो फालतू में बहुत थप्पड़ बजा रहे थे और पुलिस कंप्लेन भी कर रहे थे, कुछ हुआ क्या अब तक? ऋषि ने हल्की सी स्माइल की और उसकी आंखें पूरी लाल थी। 5 मिनट के बाद वो मयंक के घर से निकला, सीढ़ियों से उतरता नीचे आ रहा था। उसके चेहरे पे खून और दाएं हाथ में बालों को पकड़ा हुआ मयंक का कटा हुआ सर था। खून की बूंदें फर्श पे गिर रही थी। ऋषि सीढ़ियों से उतरा, उसको देखकर वहां खड़े लोग घबरा गए, सब उससे दूर होने लगे, शोर मचाने लगे। एक भरी हुई गली से अपने हाथ में कटा सर लेकर वो थाने पहुंच गया। टेबल पे उसने वो सर रखा और वहीं जमीन पे बैठ गया। वहां बैठकर उसने सिर्फ इतना कहा, मैं भी गुनहगार हूं।
अदिति के केस में असली गुनहगार था कौन? ऋषि, पुलिस, मयंक या फिर ये सोसाइटी? ऐसे बहुत केसेस हैं जिनको सोशल मीडिया पे खुल के सेलिब्रेट किया जाता है, लिंक्स मांगी जाती हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि उस इंसान पे क्या बीत रही होगी। बहुत सैड है ये सर। चलो आप लोग अपना ध्यान रखो एंड कीप लिसनिंग स्टोरीज विद अभाष चंद।